हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हम पहुंच गए हैं अच संधि के अंत में। केवल 5 सूत्र और बचे हुए हैं। अब तक हमने लगभग 57-58 सूत्र देख लिए हैं। 5 सूत्र और बचे हैं जिससे फिर अच संधि नामक एक प्रकरण समाप्त हो जाएगा। यह जो अच संधि है, अच संधि प्रकरण है, इसमें अब इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र से आगे के सूत्रों को इस पाठ में देखेंगे। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, नहीं अभी उससे पहले शाकल्य जी वाला और है, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतावनार्से, वो उसमें भी शाकल्य जी है ना, इसलिए आज तो ज़्यादातर विषय शाकल्य जी वाला ही है। ठीक है, एक मिनट। तो शाकल्य जी के मत में कुछ विशेष संधियां होती हैं, उसको देखते हैं। यहाँ शाकल्य ऋषि का विशेष आदर किया है भगवान पाणिनि जी ने, कई जगह उनका नाम लिया, लोप शाकल्य से इको सवर्णे, यही देख लीजिए, संबुद्धौ शाकल्य से तावनार से इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च, कई बार उनका नाम लिया, बहुत आदर करते हैं विशेष कर। तो अब संबुद्धौ शाकल्य से इतौ अनार से, इस सूत्र को पहले तोड़ेंगे जब, तो ये 4 शब्द इसमें निकल के आएंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 शब्द निकल कर आएंगे वो मैं यहां लिखता हूं। एक तो ये रहेगा ही, यहां पर 3 शब्द निकलेंगे, वो 3 शब्द ये हैं, एक तो शाकल्यस्य, दूसरा है इतौ, और फिर तीसरा है अनार्षे। ठीक, अच्छा, और एक चीज यहां पर, इससे तुरंत पहले आप अष्टाध्यायी में सूत्र देखेंगे तो 2 सूत्र आप जरूर ध्यान के करके देख लीजिए, 15 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, ये पूरा सूत्र बन जाएगा। 11 नंबर सूत्र से प्रगृह्यम का विषय शुरू हुआ अष्टाध्यायी में, पहले अध्याय में पहला पाद का 11 नंबर सूत्र आप निकाल के देख लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहां 11 नंबर सूत्र से कौन सा विषय शुरू हुआ है, प्रगृह्यम, है ना। वह विषय कब तक चलेगा, 19 नंबर सूत्र तक। 11 नंबर सूत्र से जो विषय शुरू हुआ है प्रगृह्यम वाला, वह प्रगृह्यम वाला विषय 19 नंबर सूत्र तक चलेगा, है ना। ई ऊ ए अंत में हो ऐसे द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, आदर्श शब्द में म के बाद ई ऊ ए आ जाए उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। ठीक, और फिर उसके बाद शे, शे एक प्रत्यय है वैदिक प्रयोगों में, उस शे की प्रगृह संज्ञा हो जाती है। निपात एक स्वर वर्ण स्वरूप जो निपात हो उसकी प्रगृह संज्ञा होती है आंग से भिन्न की। फिर उसके बाद ओकारांत जो हो, ओत, ओत सूत्र ने कहा ओकारांत जो निपात है उसकी भी प्रगृह संज्ञा होती है। फिर उसके तुरंत बाद ये सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। इसमें 4 शब्द आपको समझना है। यहां पर आप देख लीजिए ओत का प्रसंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे ये सूत्र समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि यह सूत्र भगवान पाणिनि जी ने किस संदर्भ पर कहा है, देखना पड़ेगा ना। तो यह इससे तुरंत पहले भगवान पाणिनि जी ने ओत सूत्र कहा है, ओकारांत, ओत मतलब ओकारांत, और प्रगृह का विषय चल ही रहा है। ठीक है, प्रगृह का विषय कब तक खत्म आगे चलेगा, जब अगला कोई दूसरी संज्ञा शुरू हो जाएगी तब तक प्रगृह का विषय शुरू चलेगा। तो अगली कोई दूसरी संज्ञा कब मिलेगी, इदुदे द्विवचनम प्रगृहम के बाद आप देखेंगे कोई दूसरी संज्ञा आपको संबुद्धो शाकल्य से एतावनार से ईदूतौच सप्तम अर्थे तक कहीं नहीं मिलेगी कोई दूसरी संज्ञा। दाधा घ्वदा उस सूत्र से घू संज्ञा शुरू हो रही, तो वहां से घू संज्ञा शुरू हो गई तब तक उस सूत्र से पहले तक जितने भी सूत्र हैं वो सब प्रगृह संज्ञा के सूत्र हैं। ठीक, तो उनमें से ये भी एक प्रगृह संज्ञा का ही सूत्र है। प्रगृह संज्ञा होती है तो क्या कार्य होता है यह आपको ज्ञात है कि संधि कार्य नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, संधि कार्य होता नहीं तो संधि का अभाव होता है एक प्रकार से। अब संबुद्धौ, इसमें कई शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, संबुद्धौ
संबुद्धौ मतलब क्या होता है? पहली प्रश्न, संबुद्धौ मतलब क्या होता है? तो आपको लगता होगा सम उपसर्ग लगा और बुद्धि लगा है, सम बुद्धि, सम बुद्धि बन जाता है ना, यानी अच्छी बुद्धि, ऐसा कुछ अर्थ है क्या? सम मतलब अच्छी, बुद्धि मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि में ऐसा नहीं है। संबुद्धि एक संज्ञा है। संबुद्धि क्या है? एक संज्ञा है। उसके लिए आप एक सूत्र खोज के देख लीजिएगा, वह सूत्र आपको मिल जाएगा एक वचनम संबुद्धि, ठीक, एक वचनम संबुद्धि 2349 नंबर पर, ठीक है, 2349 नंबर पर आपको सूत्र मिल जाएगा एक वचनम संबुद्धि, मिला है। अच्छा, उस एक वचनम संबुद्धि से ऊपर कहीं और कोई सूत्र दिखाई पड़ रहा है संबोधन का? संबोधने च दिखा है ना, तो अब वो दोनों सूत्रों को मैं लिख देता हूं, जो दो सूत्र मैं वही बताया, संबोधने, कौन सा नंबर पे बताया है मैंने सूत्र, संबोधने च, और फिर उसी के तुरंत बाद सूत्र क्या मिलेगा, एक वच सामंत्रितम है, मतलब संबोधन की आमंत्रित संज्ञा भी होती है, और फिर अगला सूत्र क्या मिल गया, एक वचनम संबुद्धि, ठीक, एक वचनम, विसर्ग लगा है ना। तो अब बताइए इस सूत्र के क्रम से, यदि क्रमिकता से आप देखने जाएं तो आपको क्या पता चला, संबोधन में जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। तो संबुद्धि का मतलब क्या हुआ, संबोधन का एक वचन, द्विवचन भी नहीं, बहुवचन भी नहीं। ऐसा भी मत समझिएगा कि संबुद्धि और संबोधन ये दोनों शब्द मिलता जुलता है तो संबुद्धि मतलब संबोधन समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। भगवान पाणिनि ने क्या कहा है, एक वचनम संबुद्धि, जो एक वचन है संबोधन का वही संबुद्धि है, ठीक है। तो अब संबुद्धौ का मतलब आप समझ गए, संबुद्धौ मतलब संबोधन के एक वचन में, यानी संबुद्धि में, ठीक है, संबोधन के एक वचन में यानी संबुद्धि में आपको अंत में ओत दिखाई पड़ता, ओ, संबोधन के अंत में एक, संबोधन के एक वचन के अंत में यदि आपको ओत दिखाई पड़ता हो तो उसकी हो जाती है प्रगृह संज्ञा। क्या दिखाई पड़ता हो, ओत, पर किसके मत में, शाकल्य ऋषि के मत में, संबोधन का एक वचन यदि अंत में उसके हो ओ, कितनी बातें कह रहे हैं, सारी बातें ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या कही, कि वह संबोधन का एक वचन होना चाहिए, है ठीक। उदाहरण हम देते हैं, पहले उदाहरण पर चलिएगा, यहां यहां लिख देते हैं उदाहरण, विष्णु है या भानु है या गुरु शब्द का गुरु, संबोधन एक वचन, ठीक है। तो इस की बातें क्या है, कई शर्तें हैं, एक तो शर्त यह है कि संबोधन का एक वचन हो, है। दूसरा शर्त यह है कि उस संबोधन के एक वचन के अंत में ओ दिखाई पड़ रहा हो, है। नहीं तो अब अगर ओत ना आया होता अनुवृत्ति तो राम भी संबोधन का एक वचन है, हरि का हरे भी संबोधन का एक वचन है ना, कवि का कवे भी संबोधन का एक वचन है, इसे तमाम संबोधन के एक वचन मिल जाते है ना। तो इसीलिए क्या कह रहे, संबोधन का एक वचन तो हो पर साथ ही साथ उसके अंत में ओ भी होना चाहिए। तो दोनों बातें घट रही हैं। अब इसके बाद तीसरी बात क्या कही, कि इतौ, इतौ, इतौ क्या है भाई, हरि शब्द का जैसे हरऊ बन जाता है, कवि शब्द का जैसे कबऊ बन जाता है, वैसे इति शब्द का इतौ, सप्तमी एक वचन, इति का सप्तमी एक वचन इतौ, तो इति मतलब इतौ सप्तमी लगा हुआ है, तो इतौ का तात्पर्य आप क्या लेंगे,
ये तो तुरंत पर में होना चाहिए, यानी खाली काल विष्णु या भानु होगा तो उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो चलो हम विष्णु इति कर दिए और भानु इति कर दिए, ठीक। अब अगली बात भी कही, अनार्षे, कई शब्द समझने आपको तब यह सूत्र का पूरा अर्थ समझ पाएंगे। एक दो शब्द तो आपको सूत्र में जो नहीं है वह अतिरिक्त समझने प्रसंग के अनुसार, क्योंकि ओत सूत्र से ओत की अनुवृत्ति आ रही है और ईदुदे द्विवचनम प्रगृहियम से प्रगृहियम की अनुवृत्ति आ रही है। तो ओत और प्रगृहियम ये दो शब्द जो प्रसंग वश समझने हैं आपको, वो तो समझना है कि ओकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है। पर सूत्र में जो चार शब्द हैं, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, संबुद्धौ मतलब वह संबोधन के एक वचन में होना चाहिए और इतौ यानी उसके तुरंत पर में इति होना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात है क्या कि अनार्षे, अनार्षे आर्ष मतलब ऋषियों के द्वारा जो दिखा देखा गया है वह है आर्ष। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, तो ऋषि लोग क्या हैं, मंत्र के दृष्टा हैं। यहां मैं एक काम करता हूं, यहां लिख के समझाता हूं। ऋषि शब्द से जब अण प्रत्यय, अभी रहने देते हैं, ऋषि शब्द से जब अण प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा आर्ष, ठीक। ऋषि अण आर्ष ऐसा हो जाएगा, री का वृद्धि हो जाएगा, री के स्थान पर वृद्धि होकर आर हो जाएगा, ठीक। और ई का लोप हो जाएगा ऐसे तीचा से, देखिए ऋषि था ये री बन जाएगा आर और शी का बचेगा श, ठीक। तो ऋषियों से जो संबद्ध है वह है आर्ष, ठीक। ऋषियों से संबद्ध क्या है, तो अब देखिए ऋषि मुनि ये सब जो संज्ञाएं हैं ना, ये सभी संज्ञाएं संयमी यति ये सब संज्ञाएं हैं हमारे महर्षियों के पूर्व के। पर ऋषि जो होता है ना वह उसी को कह सकते हैं जो मंत्र दृष्टा हो, क्या हो, मंत्र दृष्टा हो। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा मतलब जिसने अपने गंभीर ध्यान में अपनी तपस्या में वेद के मंत्रों का साक्षात दर्शन किया। पश्यंती वाक, वाणी के चार स्तर होते हैं, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, है ना। तो वह पश्यंती वाक को अपने ध्यान में ही देख लिया है वेद के, वेद के स्वरूप, मतलब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में ही उनको वह मंत्र उनके ध्यान में प्रकट हो गया। ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों को देखा अपने ध्यान में, जिन्होंने वैदिक मंत्रों का संकलन किया, वो हैं ऋषि। तो आर्ष क्या हो गया, वेद। ऋषियों के द्वारा जिसको देखा गया वह है आर्ष, ठीक। तो आर्ष मतलब वेद, अनार्ष मतलब अवेद, अवैदिक साहित्य में मतलब वेद से भिन्न साहित्य का वह होना चाहिए। अब वेद में, वैदिक साहित्य में वेद से संबद्ध में कहीं अगर लिखाई देखा पड़ता हो ब्रह्म बंधो के बाद इति हो, ब्रह्म बंधो इति, ठीक। अथवा अध्वर्यु शब्द का संबोधन का एक वचन क्या बनता है, अध्वर्यु शब्द का संबोधन बनता है अध्वर्यो, ठीक, इति, ऐसा हो तो ये तो वैदिक साहित्य का प्रयोग है। तो इसकी बात नहीं चल रही है, अनार्षे मतलब वह आर्ष साहित्य का वाक्य नहीं होना चाहिए, ठीक। वैदिक वाक्य वह नहीं होना चाहिए, वैदिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप, मैं आशा करता हूं कि इस सूत्र में अनुवृत्त होने वाले सभी शब्दों का तात्पर्य समझ गए होंगे। संबुद्धो यानी वह संबोधन का एक वचन हो तो उसके तुरंत पर में इति होना चाहिए और वह वैदिक साहित्य का वाक्य नहीं होना चाहिए तो शाकल्य ऋषि के मत में ऐसे ओकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है, ठीक है। पूरा सूत्र का अर्थ इतना है, एक एक शब्द का अर्थ समझ गए हैं। शाकल्य ऋषि के मत में ऐसे ओकारांत शब्द की प्रगृह संज्ञा होती है जो संबोधन का एक वचन हो पर वैदिक साहित्य ना हो
और उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, तो पूरे शब्द का संबुद्धो शाकल्य सेतावनार्षे, ये आप पूरा सूत्र समझे होंगे। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण के लिए इसको खोल लेते हैं बोर्ड को। अरे प्रभु जी आ जाओ, ये रुष्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं आ गए। देखिएगा, जैसे उदाहरण क्या दिया है, विष्णु इति, विष्णु भगवान को बहुत ध्यान करते हैं, वैष्णव है ना ये, तो विष्णु इति, विष्णु इति। अब आप बताइए, यह जो विष्णु है यह संबुद्धि है कि नहीं? संबोधन का एक वचन ही है ना, संबोधन का एक वचन है, विष्णु शब्द का संबोधन का एक वचन बनता है, विष्णु बनता है ना, तो यह संबोधन है, संबोधन का एक वचन है, ओ का रांत भी है और उसके तुरंत बाद इति का प्रयोग भी है। ठीक, अगर इति ना होता, यही मान लीजिए विष्णु है आया ही, ऐसा कुछ होता तो, या अपि होता या और कोई स्वर होता, ठीक, या इति ना होकर इदम होता तो, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती। ठीक है, संबोधन का एक वचन होना चाहिए पर उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और वह वैदिक वाक्य भी नहीं होना चाहिए, वैदिक साहित्य में नहीं हो, लौकिक में हो, लोक में। तो अब पूरा नियम लग रहा है कि नहीं, संबुद्धि भी है, ओकारांत भी है, उसके तुरंत बाद इति का प्रयोग भी है, तो शाकल्य ऋषि के मत में, सबके मत में नहीं, किसके मत में, शाकल्यस्य, केवल शाकल्य ऋषि के मत में, आदर के लिए भगवान पाणिनि जी ने लिख दिया है उनका नाम, केवल शाकल्य ऋषि के मत में उसकी हो जाएगी प्रगृह्य संज्ञा, अन्य लोगों के मत में उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। तो शाकल्य ऋषि के मत में मान लीजिए यह विष्णु जो ओ है, ओकारांत जो विष्णु शब्द है, उसकी हो गई प्रगृह्य संज्ञा। जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो अब बताइए, जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो संधि का अभाव रहेगा कि नहीं? इसका तीन रूप बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक रूप ऐसा ही रह जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस नियम से प्रकृति भाव होकर ऐसा ही रह गया। ठीक, दूसरा रूप शाकल्य ऋषि के मत में अगर नहीं है, ठीक, शाकल्य ऋषि के से भिन्न के मत में, शाकल्य ऋषि के भिन्न लोगों के मत में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अयादि होगा कि नहीं? तो विष्णु में से विष्णु बचा, ओ के स्थान पर हो गया अव, अन्य लोगों के मत में, शाकल्य के मत में नहीं, क्योंकि जो प्रगृह संज्ञा हो रही वह किसके मत में हो रही है, तो ये विष्णु जो है वह प्रगृह है, ये किसके मत में, अन्य लोगों के मत में है, पाणिनि जी के मत में है, पाणिनि जी ने उनका नाम लेकर आदर से अपने ग्रंथ में जगह दे दी है, पर वो कहते हैं कि ये खाली विकल्प से होगा, ये शाकल्य ऋषि के मत में ही होगा, अन्य लोगों के मत में नहीं। ठीक, तो अब अन्य लोगों के मत में एचो यवाया वह लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसके तुरंत बाद इति है, तो बन क्या जाएगा, अब ये आ इसमें जुड़ेगा तो ये ना पूरा हो गया, और वह इसमें जुड़ गया, वह में इति जुड़ गया, तो विष्णवीति, ऐसा दूसरा रूप बनेगा कि नहीं? ए प्रभु करिया का है आ रहे हो, हाँ, विष्णवीति बन गया दूसरा रूप, पर शाकल्य जी अभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, काहे नहीं छोड़ेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, पहले अभी विष्णवीति बनाने से पहले विष्णु था, ओ के स्थान पर क्या हुआ था,
अव हुआ था, ठीक। तो विष्णु में अव जोड़ दें, क्या जोड़ दें, विष्णव इति, ऐसा हुआ कि नहीं, ओ के स्थान पे अव होकर। अब आप बताइए लोपा शाकल्य से नियम पढ़ा कि आपने कि नहीं, शाकल्य ऋषि ने कहा था कि अवर्ण हो जिसके पूर्व में, अवर्ण हो जिसके पूर्व में, ऐसे या और वा का लोप हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद अश हो तो, ठीक। वह शाकल्य ऋषि का मत क्या था, अवर्ण अ प्लस या अथवा व, अ प्लस या अथवा व प्लस अश, पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके तुरंत बाद होना चाहिए या अथवा व, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अश, तो या और वा का हो जाता है लोप, ठीक। तो अवर्ण, ये लोपा शाकल्यस्य की वृत्ति याद आई, अवर्ण पूर्वयोर यवयोर लोपो वाशि परे, ठीक। तो अवर्ण पूर्वक जो य और व है इसका लोप भी हो जाएगा शाकल्य ऋषि के मत में, केवल शाकल्य के मत में ही। शाकल्य जी कह रहे हैं हम तो प्रगृह करना चाहते हैं, हम प्रगृह कर देंगे मतलब संधि नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रगृह नहीं मानते हो तो अब आदेश करके देख लो, हम वह का लोप भी कर देंगे, ठीक। तो अब आदेश किया गया तो हो गया, बचा क्या, विष्ण इति, वह का ही लोप हुआ है, आ का लोप हुआ नहीं, इसलिए विष्ण न पूरा रहे, विष्ण इति। अब एक प्रश्न उठेगा, जरा लोपा शाकल्य से नियम सूत्र खोल के देख लीजिए कितने नंबर पर है, लोपा शाकल्य से आठवें अध्याय के तीसरे पाद में है, लगभग 29, 8-3-19 मिला, मिल गया ना, 8-3-19 लोपा शाकल्य से। अब ये बताइए यह त्रिपादी में है कि नहीं सूत्र, यह सूत्र त्रिपादी में है ना, आठवें अध्याय में तीसरे पाद में 19वें नंबर पर यह सूत्र है, तो यह सूत्र जो कार्य करेगा वह पूर्वत्रा सिद्धम होगा कि नहीं, तो वह कार्य पूर्व के सूत्रों को पता ही नहीं चल पाएगा। तो इस लोपा शाकल्य से ने जो वह का लोप किया वह आदगुणा को पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए आ के बाद ई तो है पर आदगुणा से गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वा का लोप जो है वह त्रिपादी के सूत्र ने किया है, और त्रिपादी का सूत्र जो कोई भी कार्य करता है, आठवें अध्याय के दूसरे पाद का, तीसरे पाद का और चौथे पाद का सूत्र जो कोई भी कार्य करता है वह कार्य पूर्वत्रा सिद्धम होता है, यानी पहले के सूत्रों के लिए वह कार्य असिद्ध रहता है, तो वा का लोप असिद्ध है, वा का लोप हुआ ही नहीं है आदगुणा की दृष्टि में, ठीक। तो वहां इसको वह दिखाई पड़ेगा इसलिए वो गुण नहीं कर पाएगा, ठीक, स्पष्ट है। तो विष्णु इति ऐसे का ऐसा बचेगा, पर जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगा और अब आदेश हो गया, ठीक, अब आदेश हो गया और अब का वह जुड़ गया तो विष्णु वीति ऐसा तीसरा रूप भी बनेगा कि नहीं, तीन रूप बनाना, विष्णु इति, विष्णु इति, ये दोनों मत किसके, ये दोनों किसके मत में रूप हुए, ये शाकल्य के मत में, ठीक, और ये अन्य लोगों के मत में, ठीक है, अन्य लोगों के मत में आदेश हो जाएगा तो विष्णुवीति बन जाएगा, स्पष्ट है पूरी तरह से बात। शंबुद्धौ शाकल्य से तावनार्षे, सूत्र इतना ही कहता है कि संबोधन का वह एक वचन हो, ओ उसके अंत में हो, उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग हो, कई बातें कह रहा है ना, संबोधन का एक वचन हो, उसके तुरंत बाद ओ हो, मतलब उसका अंतिम वर्ण ओ हो, उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग हो, तो वह सबके मत में नहीं, केवल शाकल्य ऋषि के मत में उसकी प्रगृह संज्ञा होती, प्रगृह संज्ञा होगी तो संधि नहीं होगी, ऐसे रह जाएगा, और शाकल्य ऋषि का मत नहीं चलाएंगे तो संधि कर लेंगे, यदि ओ को अव कर लेंगे तो वा का लोप भी शाकल्य जी कर डालेंगे, ठीक, लोपा शाकल्य से लोप भी हो जाएगा, और जब लोप नहीं होगा तो विष्णुवीति, ये तीनों रूप भी बनेगा।
चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इसका। मान लीजिए विष्णु इति न होकर भानु इति होता तो ये भी देख लीजिए संबुद्धि है कि नहीं, संबुद्धि है कि नहीं, एक वचन उसके अंत में ओ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। संबोधन का एक वचन भी है, अंत में ओ भी दिखाई पड़ रहा है और उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग भी है। तीनों बातें घट रही हैं। चौथी बात क्या? पहली बात संबोधन का एक वचन है, उसके अंत में ओ हो है। तीसरी बात उसके बाद इति शब्द का प्रयोग हो है, वह वैदिक वाक्य नहीं होना चाहिए, अवैदिक है। ठीक, तो इसकी हो जाएगी प्रगेय संज्ञा शाकल्य ऋषि के मत में। प्रगेय संज्ञा होगी तो ओ की संधि कार्य नहीं होगा, रूप क्या बन जाएगा? भानो इति। ठीक, और जब संधि कार्य होगा अन्य लोगों के मत में, अयादेश होगा, तो उस अयादि आदेश जो होगा अव आदेश हो जाएगा, वा का लोप भी कर देंगे शाकल्य जी, तो भान इति भी बनेगा। और जब वा का लोप नहीं होगा तो भान विति, यह तीसरा रूप, तीसरा रूप भी बन जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं खाली विषय को और स्पष्ट करने के लिए। ठीक, अध्वर्यो इति, यहां देखिएगा ओ तो है अंत में, संबोधन का एक वचन भी है, पहला शर्त संबोधन का एक वचन होना चाहिए है, उसके तुरंत बाद इति का प्रयोग होना चाहिए है, उसके अंत में ओ होना चाहिए है, चौथा शर्त नहीं लगा, वह वैदिक वाक्य नहीं होना चाहिए, यह वैदिक वाक्य है, यह आर्ष साहित्य का प्रयोग है, इसलिए यहां इसकी प्रगेय संज्ञा नहीं होगी। और प्रगेय संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम नहीं लगेगा, संधि का अभाव नहीं रहेगा, यानी संधि कार्य होगा तो, संधि कार्य होगा तो अयादेश जब हो जाएगा, अवादेश जब हो जाएगा तो अध्वर्य वीति, ऐसा रूप बन जाएगा ना। और जब एक शाकल्य जी तब भी अपना मत लगाएंगे ही तो अध्वर्य इति, वाकालोप कर देंगे शाकल्य जी। ठीक है, तो ये दो तरह का रूप बन सकता है वैदिक में। ठीक है, पूरी बात स्पष्ट है। इसी तरह ब्रह्मबंधो इति भी वैदिक साहित्य का ही प्रयोग है। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। कौन सा उदाहरण देखें? चलिए गो इति, ये गो संबोधन का एक वचन नहीं है इसलिए यहां नहीं लगेगा। ठीक चलेगा, तो मतलब सारे नियम लगने चाहिए, चारों बातें होनी चाहिए, वह संबोधन का एक वचन हो, उसके तुरंत बाद इति का प्रयोग हो, और वह जो संबोधन का एक वचन है वह ओ उसके अंत में हो, और चौथी बात वह अनार्ष हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसकी हो जाती है प्रगृह संज्ञा। और जब प्रगृह संज्ञा होगी तो संधिगत कार्य नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब वृत्ति से देख लेते हैं। अभी तक खाली हम सूत्र से ही, जो सूत्र में आ रहे शब्दों की अनुवृत्ति के आधार पर अर्थ बताए, अब वृत्ति में देख लीजिए जो मैंने अर्थ बताया वृत्ति पढ़े बिना, क्या वही अर्थ वृत्ति में बता रहे हैं? कह रहे संबुद्धि निमित्तक ओकार, संबुद्धि में, संबुद्धि निमित्तक मतलब संबोधन के एक वचन में आने वाला जो ओ है। ठीक, अब यहां देखिए संबुद्धि निमित्त का एक आ रहा है, मूल रूप में होता क्या है, जो भानो बना है वह शब्द क्या था? भानु था, उसके बाद प्रत्यय लगा था सु, प्रथमा विभक्ति के संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का ही सु औजस प्रत्यय लगता है। ठीक, सु जो है यह एक वचन का प्रत्यय है कि नहीं, संबोधन के एक वचन का प्रत्यय है कि नहीं,
इसलिए इसको एकवचनम संबुद्धि से इस सु को संबुद्धि कहा जाता है। ठीक, संबुद्धि मतलब संबोधन के एक वचन का रूप नहीं, इस सु को संबुद्धि कहा गया। तो उस सु से जो बना सु लगकर वो भी संबुद्धि ही कहा जाएगा। अब सु में से बचा क्या, स। ठीक, सु में से बचा क्या, स। स जो है संबुद्धि का है। तो एक नियम लगता है ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, वह कहता है संबुद्धि से तुरंत पहले आने वाला जो ह्रस्व इक है उसके स्थान पर हो जाता है गुण। तो यह जो गुण हुआ वह किसके कारण हुआ, इस स प्रत्यय के कारण हुआ। अगर भानु के बाद कोई दूसरा प्रत्यय होता, औ होता, तो भानु बन जाता है ना। अगर भानु के बाद ये अन्य कोई भ्याम प्रत्यय होता तो भानु भ्याम हो जाता। गुण जो हुआ वह इस स के कारण हुआ। ऊ को गुण हो गया तो गुण होने के बाद ओ बन गया। यह जो ओ बना है यह किसके कारण बना, इस स के कारण, यानी संबुद्धि के निमित्त से बना। ठीक, यह जो ओ बना यह किस निमित्त से बना, इस संबुद्धि के निमित्त बना। इसलिए यह जो ओकार है वह संबुद्धि निमित्तक ओकार है, वो इस संबुद्धि को पूरे को नष्ट कर देगा। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, एक ऐसा नियम आता है कहता है एंग के बाद या ह्रस्व के बाद संबुद्धि का स लुप्त हो जाता है, तब लुप्त हो गया। ठीक है, तो भानु बचा, पर यह जो ओ है यह संबुद्धि निमित्तक ओकार है। यही कहा, संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है वो वा यानी विकल्प से, विकल्प से मतलब केवल साकल ऋषि के मत में, अन्य के मत में नहीं। कहीं भी अगर विकल्प से कार्य कहना चाह रहे हैं भगवान पाणिनि जी, तो किसी ऋषि का नाम ले लेते हैं, या वा कह देते हैं, या विभाषा कह देते हैं, बहुलम कह देते हैं। ठीक, तो विकल्प से वह प्रगृह होता है, शर्त क्या है, अवैदिक इति शब्द पर में हो तो, अवैदिक इति शब्द पर में हो तो। ठीक है, वैदिक नहीं। जैसे उदाहरण क्या दिया, विष्णु इति प्रगृह संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहिया अचिरित्यम से प्रकृति भाव हो गया। और जब प्रगृह संज्ञा नहीं हुई शाकल्य से अन्य लोग के मत में, तो एचो यवायावा से अब आदेश हुआ तो उसके वा का लोप भी हो गया, लोप शाकल्य से, तो दूसरा वाला रूप। और जब उस शाकल्य ऋषि से के ही मत में लोप होता है, अन्य लोगों के मत में नहीं होता है, तो वह विष्णुवीति भी बन गया। तीसरा, तीनों रूप बनाया ना, और इसके बारे में विस्तार से समझ लिया आपने। तो अगले सूत्र पर चले, मय उयो वो वा, मय उयो वो वा। थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में नहीं बोल पाएंगे, मय उयो वो वा, मय उयो वो वा। ठीक है, मय, अच्छा ये मय क्या है, मूल रूप में है, यहां आप देखेंगे तो सूत्र का मैं पदच्छेद करके यदि लिख दूं तो यहां है मयः धन उयः। ठीक, धन वह, धन वा, मयः उयः वह वा। यहां मयः और उयः के बाद देखिए विसर्ग के बाद उ दिखाई पड़ रहा है, लोपश यहां क्या होगा, भो भगो अघो पूर्वस्य योशी से इस रू के स्थान पर यह होकर उस लोपा शाकल्य से उसका लोप हो जाएगा, तो मय उयो हो गया। इसके तुरंत बाद ये जो वा दिखाई पड़ रहा है वो वा हश प्रत्याहार में है, इसलिए हशीचा लग जाएगा तो यह उयो हो जाएगा। और यहां भी वा है वह हश में आता है, इसलिए हशीचा लग जाएगा तो ये वो हो गया। ठीक, मय उयो वो वा। पर इस सूत्र में जो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं वह अपने आप में एक प्रकार से पूर्ण सूत्र है। ठीक, तो अब देखिएगा यहां पर एक और थोड़ा सा पहले प्रसंग देख लीजिए, मय उयो वो वा से प्रसंग देखिए, आपको कुछ मिलेगा। गमो ह्रस्वात् अचि गमन नित्यम, वहां पर अचि दिखाई पड़ेगा। ठीक, खाली अचि की अनुवृत्ति आदि। ठीक है, तो आप पूरा शब्द समझिएगा, पूरा सूत्र को समझने के लिए आपको यहां भी पांच शब्द समझना है, पांच शब्द समझने। मयह, पहले मय पे आते हैं, मय क्या है, मयह जो है ना यह
मूल रूप में मय शब्द है, उसका पंचमी विभक्ति का एक वचन है मय। ठीक, मय होता क्या है? मय नाम का एक दानव था, वो है क्या? आप कहेंगे नहीं, व्याकरण में अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं अंतिम में हलंत दिखाई पड़ रहा है तो एक बार खोजिए कहीं वो प्रत्याहार तो नहीं है, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई यह प्रत्याहार है और इसमें 24 वर्ण आते हैं। मय प्रत्याहार में 24 वर्ण आते हैं। केवल इसको छोड़कर सभी वर्गीय व्यंजन आ जाते हैं मय प्रत्याहार में। यहां को छोड़ दीजिए, बाकी सभी सभी वर्ग के व्यंजन आ जाते हैं। यम गणानम से शुरू हुआ म से, यहां को छोड़ दिया उसने, यम गणानम के यहां के बाद से म से शुरू हुआ म ग ण न, चारों वर्ग के अंतिम अक्षर आ गए। फिर झ भ घ ढ ध चौथे अक्षर आ गए, ज भ ग ढ ध तीसरे अक्षर आ गए, ख फ छ ठ थ दूसरे अक्षर आ गए, च ट त क प पहले अक्षर आ गए। ठीक है, तो मय कहां तक चला गया? कपय तक, कपय के य तक। यम गणनम के म से शुरू होकर, यम गणनम में यम य के बाद जो म है उस म से शुरू होकर कपय के य तक जाता है। इस मय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण आते हैं। ठीक, 24। इन 24 वर्णों के बाद यदि आपको उय दिखाई पड़ता हो, क्या दिखाई पड़ता हो? उय। आप कहेंगे ये उय क्या है? उय उय बोलते हैं ना लोग, यह एक प्रकार की टोन होती है, बोलते समय एक टोन होती है। ठीक, यह यदि आप किसी के बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, किसी के बात में सहमति नहीं रखते, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने भाई, है ना, उस अर्थ वाला है ये उई। इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं है। उई किम उई उक्तम, किम उई उक्तम, ये क्या तुमने कह दिया भाई, ये क्या कह दिया? ऐसा यदि कहना चाह रहे हैं, यानी उसके कथन से आप अपना अभिप्राय नहीं रख रहे हैं, सहमति नहीं रख रहे हैं, ऐसे अर्थ में उई होता है। ठीक है, तो यह जो उई है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए ऐसा है उई, इसकी हलंतम से यहां की संज्ञा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? चलिए उई में से बचा क्या, यह ऊ जो है आप खोज के देख लीजिए, च आदि शब्दों की लिस्ट में यह उई है, च आदि के लिस्ट में उई है। तो चादयो सत्वे आप सूत्र पढ़ चुके हैं, यह उई का मतलब ऐसी बात जिससे इत्तेफाक न रखना, क्या उसका कोई भौतिक स्वरूप है? नहीं, यानी वह असत्व अर्थ में चा आदि में से है, इसलिए चादयो सत्वे से यह निपात है कि नहीं? निपात है, कल के ही व्याख्यान में आपने पढ़ा है, निपात है और एकाच भी है, है ना, और आंग से भिन्न भी है। तो निपात एका जनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा होगी कि नहीं होगी? होगी ना, पूर्णता बात स्पष्ट है, उई की प्रगृह संज्ञा होगी ना। मैं पहले पूरी प्रक्रिया लिखता हूं, अरे अची का है मिट गया, चलिए मान लीजिए यहां अची की गमो ह्रस्वाद अची गमुण नित्यम से अची की अनुवृत्ति आ रही है। अब है क्या, किम के बाद है उई, के बाद उक्तम, किम उई उक्तम, ऐसा है। अब आप बताइए किम में आपको मय दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? मय म है ना, वैसे का भी मय, का भी मय है, म भी मय है, पर यहां ऐसे मय की बात कर रहे हैं जिसके तुरंत बाद उई हो। ठीक, तो मय मतलब ये म, मय प्रत्याहार में आता है ना, मय के बाद यदि आपको उई दिखाई पड़ता हो तो इस उई के स्थान पर, अब आप बताइए उई में से बचा है ऊ, ऊ धन उक्तम है, यहां अकस्वर्णे दीर्घा से आप दीर्घ करने लग जाएंगे कि नहीं?
करने लग जाएंगे ना, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ होने लग जाएगा ना, तब तक चादयो सत्वे कहेगा कि भाई ये तो छह आदि में है और इसका अर्थ असत्व है, असत्व अर्थ में है, कोई भौतिक पदार्थ नहीं है इसका अर्थ। तो इसलिए ये ऊ जो है ये तो निपात है ना, निपात है कि नहीं, चादवे सत्वे के आधार पर। और ये निपात है, एक अच भी है और आंग भी नहीं है, तो निपात एका जनांग कहेगा कि भाई ये तो प्रगृह्य है कि नहीं। निपात एका जनांग से इस ऊ की प्रगृह्य संज्ञा होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। अब यदि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो ऊ के तुरंत बाद अच है कि नहीं, संधि कार्य कर पाएंगे क्या आप, संधि कार्य कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे ना। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम कहेगा, प्लुत और प्रगृह्य के तुरंत बाद अच हो तो नित्य उसका प्रकृति भाव हो जाता है, यानी उसमें संधिगत कार्य नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसा ही रह जाएगा किम उक्तम। हाँ लेकिन यहां तो कोई संधि करने का नहीं रोका है ना, यहां म और ऊ को जोड़कर मु कर दीजिए, किमु उक्तम, किमु उक्तम ऐसा बन जाएगा ना। पर ये सामान्य नियम लग रहा था तब, अभी तक आपने जो नियम पढ़ा था उन नियमों के आधार पर यह किमु उक्तम बन गया, बन गया ना। अब जो नया नियम पढ़ रहे हैं उसके आधार पर क्या होगा, यह कहता है मय प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत बाद यदि आपको उई दिखाई पड़ता हो तो उस उई के स्थान पर वह हो जाता है विकल्प से, वो वाह। इस उई जो है आप कहेंगे वो कमवा तो हम इको यणचि से कर डालते, तो कहते इको यणचि से ऊ के जगह पे वह कर डालते ना। यह मय के बाद जो ऊ दिखाई पड़ रहा है उई का, उस ऊ के जगह पे वह हो जाएगा विकल्प से, वो वाह, वह हो जाएगा विकल्प से। आप कहेंगे तो हम इको यणचि से कर सकते थे, तो हम कहेंगे नहीं भाई इको यणचि से नहीं कर सकते थे आप, क्यों नहीं कर सकते। एक तो बात यह प्रगृह है, दूसरी बात इसके तुरंत बाद सवर्ण है, तो अकह सवर्णे दीर्घा से आपको दीर्घ करना पड़ जाता, दीर्घ करना पड़ जाता ना, तो हो जाता दीर्घ, गड़बड़ होता कि नहीं, स्पष्ट है। तो इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता है, ऐसा कोई मत सोचने लग जाना कि हम इको यणचि से कर डालते, अरे इको यणचि से करने जाते तो आपको पता चलता कि ये तो प्रगृह है, प्रगृह को कैसे इको यणचि यण कर पाएगा, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा। अगर मान लीजिए उसको पता नहीं था कि ये प्रगृह विकल्प से है, तो जब प्रगृह नहीं होगा तो हम इको यणचि से कर लेंगे, विकल्प से प्रगृह है ना, तो कहेंगे नहीं भाई तब भी नहीं कर पाएंगे, तब आपको अकह सवर्ण दीर्घा रोक नहीं लेगा, अकह सवर्ण दीर्घा कहेगा अक के बाद सवर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ होने लग जाता है ना। तो इसलिए मय के बाद आने वाले उय के स्थान पर विकल्प से वाह होता है, पर प्रगृह संज्ञा यहां क्या होती, प्रगृह संज्ञा विकल्प से नहीं होती, प्रगृह संज्ञा तो नित्य ही है ना, विकल्प से नहीं है, तो वो प्रगृह संज्ञा के अभाव वाली बात नहीं सोचनी। तो प्रगृह संज्ञा है ही, इसलिए कोई अणच भी नहीं लग पाता, अकह सवर्ण दीर्घा भी नहीं लग पाता, पर इसलिए एक नया सूत्र बनाना पड़ा कि मय प्रत्याहार के वर्ण के बाद अगर कहीं ठीक ऊय हो तो वो क्या हो जाता, उय के ऊ के स्थान पर वह हो जाता है विकल्प से, ठीक। अब यही किम ऊ उक्तम ना होता, इदम ऊ उक्तम होता तो भी हो जाता है ना। यही मान लीजिए कुछ क्या हो जाता है, अभी दूसरा चीज तत् ऊ उक्तम होता तो भी हो जाता ना, ये भी तो मय है, मय के बाद उई होना चाहिए, मय प्रत्याहार में 24 वर्ण आते हैं ना, यही तत् ना होकर द हो गया होता झलाम जसोंते से तद हो गया होता तो तद ऊ उक्तम तो भी हो जाता,
ये भी तो मय है, मय के बाद उई होना चाहिए, तो उस उई के ऊ के स्थान पर विकल्प से हुआ हो जाए। प्रगृह संज्ञा भी होगी यानी संधि का अभाव भी रहेगा और ऊ के स्थान पर वा भी हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि मु उक्तम वैसा भी रह गया प्रगृह संज्ञा होने के कारण ऊ और ऊ में संधि नहीं हुई। ठीक, आप कहेंगे किम और ऊ में संधि क्यों हो गई, तो यहां संधि नहीं, यहां केवल मात्र स्वर और व्यंजन का संयोग है। और संधि का रोक, संहिता का रोक कहां किया गया है भाई, प्रगृह के बाद वाले अच से रोका गया है, पहले वाले से नहीं रोका गया है ना। प्रगृह के पहले कोई स्वर वर्ण हो तो उसको प्रगृह से आप जोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, बाद वाले स्वर से वो प्रगृह नहीं जुड़ता, स्पष्ट है। कोई व्यंजन भी हो तो भी जोड़ दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो अब यहां संधि कार्य नहीं हुआ वो दिखाई पड़ा, और जब इसी ऊ के स्थान पर विकल्प से वह हो गया तो किम वक्तम, किम वक्तम, अगर यही ऊ ये ना होता, सामान्य ऊ होता, तो किमुक्तम हो जाता, किमुक्तम है ना, सामान्य ऊ होता था। तो जैसे जैसे ऐसे कह दे किम ऊ उक्तम, किसी ने कुछ बोला, सामने वाले व्यक्ति ने सुनाई नहीं, सुना नहीं क्या बोला, तो वो कहेगा कि मैंने ऊ कहा था, ऊ है ना, अ ई उण बोल रहा था। अब कोई अ ई उण ना सुनकर अ ई अण सुन लिया तो है ना, तो कहेगा नहीं मैंने ऊ बोला था, मैंने ऊ बोला था, तो कहेगा किम ऊ उक्तम, क्या तुमने ऊ बोला था, तो वैसा वाला जो ऊ रहेगा वह ऊ नहीं है, वहां संधि कर सकते हैं आप, किमुक्तम कर दीजिए, किमुक्तम कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। पर यदि वह ऊय है और मय प्रत्याहार के बाद है तब ऊ निपात एकाजनांग से उसकी होगी प्रगृह संज्ञा, और यदि होगी उसकी प्रगृह संज्ञा तो प्रगृह संज्ञा होने के कारण संधि कार्य नहीं होगा, प्रुत प्रगृह अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव होगा भी साथ ही एक और नया नियम लग जाएगा, मय उयो वोवा, मय के बाद आने वाले उय के स्थान पर विकल्प से वा हो जाता है। तो किम भुक्तम भी बना लेंगे ना, बना के दिखा देते हैं एक बार, इसे देख लीजिए, नहीं तो कुछ लोग कहें कैसे बन गया, था किम और उसके बाद था ऊ, उसके बाद था उक्तम, ठीक उय है ये, इस ऊ के स्थान पे मय उयो वो वा से विकल्प से जब वा कर दिया तब जोड़ दीजिए, म और वा जुड़ गया, किम वो उक्तम, किम भुक्तम हो जाएगा ना, इस तरह वाला। और जब संधि नहीं होगी तो किम मतलब वा नहीं हो पाएगा तो किम उक्तम, ठीक है, स्पष्ट है। तीन सूत्र और बचे हैं अच संधि में, इकोस एक तो अचोर रह, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, वो भी शाकल्य भार्षि आएंगे, फिर अचोर रहाभ्याम द्वे और रित्यका, ठीक है। तो इको सावर इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, हाँ इक पहले होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए इक, उसके तुरंत बाद उदाहरण पे, हम उदाहरण लिख के तभी उसी पे चलाते हैं, जैसे चक्री क्या है, चक्रमस्यास्तीति चक्री, चक्र शब्द से अत इनि ठनऊ सूत्र से इनि प्रत्यय लगकर बनेगा चक्रिन, चक्रिन उस चक्रिन शब्द का प्रथमा एक वचन बनेगा चक्री, चक्री चक्रिणौ चक्रिणः, चक्रिणम चक्रिणौ चक्रिणः, ऐसा रूप बनता है, ठीक है। तो चक्री मतलब चक्रवाला, कौन है चक्री, सबसे प्रसिद्ध चक्री वही है, ठीक, चक्रवाले भगवान विष्णु चक्रधारी, तो चक्री है, उसके तुरंत बाद है अत्र, भगवान विष्णु कहाँ है, अत्र है कि नहीं, यहां प्रहलाद ने दिखाया था चक्री अत्र है भाई, चक्री यहीं पर है खंभवे में, तो चक्री धन अत्र है। अब आप बताइए यहां पर कोई नियम आपको याद आ रहा है लगना लगाने को, इको यर्ण याद आ रहा होगा, स्पष्ट रूप से याद आ रहा हो, ठीक है, याद आ रहा है ना, तो वह होना चाहिए इक, क्या होना चाहिए इक,
उसके तुरंत बाद आना चाहिए असवर्ण। यदि सवर्ण होता तब तो अकसवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो रहा होता। यदि तुरंत बाद में सवर्ण होता तो अकसवर्ण दीर्घा, क्योंकि जो इक है वह अक भी है भाई। इक में खाली ई ऊ रिल रही है, पर अक में अ ई ऊ रिल रही पूरा है ना। तो अक इक के बाद सवर्ण होता तो अकसवर्ण दीर्घा से दीर्घ हो रहा होता, पर यदि असवर्ण है तो इको यणची से यण हो रहा होता। इक के तुरंत बाद असवर्ण वर्ण हो तो शाकल्य ऋषि के मत में उसको ह्रस्व हो जाता है। ठीक, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये बात शाकल्य ऋषि के मत में उसका ह्रस्व भी हो जाता है। तो अब बताइए आपके मन में यह हुआ, चलो चक्री को हमने ह्रस्व कर दिया, किया देखिए चक्री हो गया, चक्री अत्र बन गया कि नहीं, तो कहेंगे कि कर दिया ई, तब फिर से ई को यणची लगा दीजिए, होगा कि नहीं, ई था उसको या कर डालेंगे कि नहीं, तो कहेंगे शाकल्य ऋषि ने ह्रस्व करने को कहा है, शाकल्य ऋषि साधारण तो है नहीं, अनेक बार जिनका पाणिनि जी खुद से नाम ले रहे हैं वो साधारण तो है नहीं, वह अगर ह्रस्व करने को कह रहे हैं यानी इसीलिए कह रहे हैं कि ह्रस्व होगा फिर उसके बाद संधि कार्य नहीं होगा, ठीक, ह्रस्व वाला रूप मिलेगा, अगर संधि कार्य करना ही होता तो ह्रस्व करने की क्या जरूरत थी, ई करने की क्या जरूरत थी, ह्रस्व करने का विधान है उनका बेकार हो जाता। भाई ई कहे उसको चाहे ह्रस्व कर देंगे चाहे दीर्घ कर देंगे, इको यणची तो लग ही जाएगा ना, असवर्ण अच पर में होगा तो इको यणची तो लग ही जाएगा, तो उनका ह्रस्व करने का विधान ही बेकार हो जाता, बेकार हो जाता कि नहीं, इसलिए ह्रस्व का विधान किया है उन्होंने, उसी के सामर्थ्य से पता चलता है कि यहां पर स्वर संधि नहीं होगी। यही देख लीजिए क्या लिखा होगा, ह्रस्व विधि सामर्थ्या न स्वर संधि, ह्रस्व का विधान करने के सामर्थ्य से ही पता चलता है कि स्वर संधि नहीं होगी, इसीलिए देख लीजिए चक्र अत्र हो गया कि नहीं। पर जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगेगा, ह्रस्व नहीं होगा दीर्घ ही रहेगा, तब तो संधि आप कर ही लेंगे, इको यणची से यण कर लेंगे, तो इस तरह बन जाएगा चक्रेत्र, चक्रेत्र ई के जगह पे या कर लेंगे, ठीक है बन जाएगा। पर शर्त कई बातें, आप कहेंगे इस हिसाब से तो आपने उदाहरण दिया था एक सुधी उपास्य वाला ही उदाहरण देते हैं, ठीक, सुधी आप कहेंगे इस हिसाब से तो हम शुद्ध उपास्य भी बना सकते हैं ना। एक है उसके तुरंत बाद असवर्ण है और यह बात पदांत तो होना चाहिए, तो भाई सुधी भी तो एक पद है, सुधी भी तो एक पद है, पद का अंतिम वर्ण एक है, उसके तुरंत बाद असवर्ण अच है, तो इसको शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व करो, सुधी उपास्य बनाओ, क्या बना पाओगे आप, बनने लग जाता यह समस्या आने लग जाती, ऐसा कात्यायन मुनि को ध्यान में आया, तो उन्होंने इसी सूत्र पर फुटनोट में एक वार्तिक लिख डाला है न समासे, जो यहां लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है पर सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा, अष्टाध्यायी में हो सकता है, आप इस सूत्र को निकाल कर देख लीजिए 6.1.127 अष्टाध्यायी में भी गोपाल दत्त पांडे जी वाली में हो सकता है, इसके बाद दो वार्तिक मिलेंगे, एक न समासे एक सितिच, न समासे सितिच हो सकता है लिखा हो सकता है न लिखा, नहीं लिखा है ना पर है। अब आप कहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं, यहां पर देख ही ले अष्टाध्यायी.com है ना, व्याकरण का एक कल्प वृक्ष है ऐसा कह सकते हैं। चलिए यहां से हम जाते हैं और इधर से लघु सिद्धांत कौमुदी निकाल लेते हैं, इसमें नहीं लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं निकालेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो वही है नहीं है ना। हम आपको क्या करते हैं, छ
सीधे अष्टाध्यायी सूत्र पाठ ही निकालते हैं, ठीक। अब सूत्र पाठ निकाल के इसमें अभी क्रम लगा देंगे अकारादि क्रम से, ठीक। यहां हम क्रम लगा देते हैं अकारादि क्रम, ठीक। अब अकारादि क्रम से सारे सूत्र दिखाने लगे, दिखाई पड़ने लगे। इसमें आप देखिए, आपको आ से आ रहा है अभी सूत्र आ वाले। अरे भाई तनी और, बहुत सूत्र आ से लिख डाले हैं पाणिनि जी। अनुदात गित आत्मने पदम। अब चलो कहाँ, रुको 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 रुको, अयनम च अल्पे चलेगा, अभी मिल जाएंगे। आ आगे ई ई से इको सावरणे साकल्य से, यहाँ लिखने का हिंदी टाइपिंग का सिस्टम नहीं है, नहीं तो हम तुरंत लिख के दिखा देते आपको, पर आ आ गया है तो ई भी आ ही जाएगा, आ ही चूरे। देखिए इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, ये सूत्र दिखाई पड़ा। इसके नीचे दो वार्तिक न समासे और सितिज। ये साकल्य ऋषि के मत में अस्वर्ण इक को जो ह्रस्व भी होता है ना, वह अस्वर्ण, देखिए इक होना चाहिए उसके तुरंत बाद अस्वर्ण स्वर होना चाहिए, तो साकल्य ऋषि के मत में उस इक को ह्रस्व भी हो जाता है, पर यदि समास हो तो नहीं होगा। अब सुधी भी उपास्य, सुधी उपास्य बन रहा था समास, मधो अरि मध्वरी बन रहा था, मधु के जो शत्रु हैं वो मध्वरी है, समास में बन रहा था। यहां चक्री अलग है, अत्र अलग है, इन दोनों शब्दों में समास नहीं हुआ है, पर सुधी उपास्य में सुधी के द्वारा, सुजनों के द्वारा, सुधियों के द्वारा जो उपासनीय है, ऐसा अर्थ आ रहा था। तो सुधियों का उपास्य के साथ संबंध बन रहा था, समास हो रहा था। समास जहां होगा वहां यह नियम नहीं लगेगा, सित प्रत्यय जहां लगा होगा वहां भी यह नियम नहीं लगेगा, ठीक। सित प्रत्यय मतलब छस प्रत्यय होता है, भवतष्ठक छसौ से छस प्रत्यय होता, और भी कहीं जहां स की संज्ञा हुई है जिस प्रत्यय में, जैसे छस प्रत्यय है, ठीक। कौन सा प्रत्यय है? छस, छस प्रत्यय है। तो अब छस में से स हो गया, ठीक, स का लोप हो गया इसलिए सित हो गया। अब इस आ, इस छ के स्थान पे आए नी नी यह फड़क छगाम प्रत्यय आदि नाम सूत्र से ई हो जाता है, छ के स्थान पर क्या हो जाता है, ई, ठीक। अब यह ई है, इसके पहले मान लीजिए किसी शब्द का उ होता तो वो इक हो जाता, उसके तुरंत बाद असवर्ण है कि नहीं। आप कहेंगे कि पद संज्ञा है ही नहीं इसकी, पद संज्ञा होगी, सीतिचा एक सूत्र है पद संज्ञा करने के लिए, अष्टाध्यायी में एक चार 18 नंबर सूत्र निकाल कर देख ले, 17 या 13 14 15 16 17 17 नंबर, 1417, ठीक है। 16 पे मिला है का सीतिच, चलिए 16 पे मिला है, 1416 सीतिच है ना, वो भी सुप्तिगंतम पदम से पद की अनुवृत्ति आ रही है। सित प्रत्यय यदि पर में हो तो सित से पूर्व में जो है उसकी पद संज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती तो ये ई मिल जाता तुरंत बाद में, तो भी इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्व से चहिर से ह्रस्व करके रूप बनाने लग जाते आप, वो नहीं होगा। सित प्रत्यय होगा तो भी नहीं होगा, समास होगा तो भी नहीं होगा, ये बात है। तो समास से भिन्न हो, सित प्रत्यय से भिन्न हो, ऐसा इक, ठीक, ऐसा इक जो समास से भिन्न हो, पद का अंतिम वर्ण हो, तुरंत बाद में कोई असवर्ण हो, तो साकल्य ऋषि के मत में उसको ह्रस्व भी हो जाया करता है, ठीक। ह्रस्व नहीं होगा तो इको यणचि से यण भी हो जाएगा, इसलिए दो रूप बनेंगे, चक्री अत्र और चक्र अत्र, ठीक है। अब पदांता इति किम, यह एक प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देते हैं गौरियो, ये विषय, और इसको थोड़ा और विस्तार करके कल देख लेंगे, कल नहीं क्योंकि कल तो इस समय त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, कल नैषधीय चरितम को पढ़ेंगे, दो श्लोक दो तीन श्लोक, परसों इससे आगे के विषय को देखकर समाप्त कर देंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण को, और फिर शुरू करेंगे
परसों के बाद से, परसों यानी गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार से हम सब शुरू करेंगे। फिर वो शुक्रवार से शुरू करेंगे हल संधि प्रकरण, ठीक है। तो अभी आज यही रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।